बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम योर ऑनलाइन टीचर मिस अनुप्तार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोमोटर डोमेन के बारे में है। इससे पहले कॉग्निटिव डोमेन और अफेक्टिव डोमेन पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो उसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। तो आज हमारी जो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी की सीरीज है ये कंप्लीट हो जाएगी तीनों वीडियोस की। आज हम साइकोमोटर डोमेन को डिस्कस करेंगे और ये साइकोमोटर डोमेन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये सिम्पसन ने 1972 में इसको प्रेजेंट किया था। सिम्पसन ने 1972 में इसको डिवाइड किया था साइकोमोटर डोमेन को इन सब ग्रुप्स में। परसेप्शन इसका लोएस्ट लेवल है और ओरिजिनेशन इसका हाईएस्ट लेवल है। परसेप्शन में यहाँ पर आप सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कि आप सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई कंप्यूटर पड़ा है तो आप उस कंप्यूटर को ऑब्जर्व करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये किस तरह से वर्क करता है, इसको कैसे ऑन करते हैं, किस तरह से ऑफ करते हैं। तो वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन चल रही होगी वो आपकी परसेप्शन में आएगी। उसके बाद आ जाएं जी नेक्स्ट जो स्टेप है साइकोमोटर डोमेन में। अच्छा, बेसिकली जो साइकोमोटर डोमेन्स है ना ये हमारी एक्शंस के साथ डील करती है, ठीक है। परसेप्शन में हमारे सेंस ऑर्गन्स यूज हो रहे होते हैं क्योंकि जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम देख भी रहे होते हैं यहाँ पर हमारी और समझ भी रहे होते हैं। तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं परसेप्शन में। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो लेवल है वो है जी सेट का। सेट में क्या होगा, यहाँ पर आप अपनी विलिंगनेस देंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया था कंप्यूटर को, अब यहाँ पर आप विलिंगनेस देंगे कि मैंने भी कंप्यूटर सीखना है। मतलब अपने माइंड को आपने रेडी किया, अपने आप को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी विलिंगनेस दे रहे हैं कि अब अपनी डिज़ायर शो करवा रहे हैं कि मुझे भी अब कंप्यूटर सीखना है। यहाँ पर सिर्फ हमने कंप्यूटर चलाने को ऑब्जर्व किया, यहाँ पर हमने कंप्यूटर सीखने की तरफ आगे अपनी विलिंगनेस दे दी। नेक्स्ट स्टेप है गाइडेड रिस्पॉन्स का। गाइडेड रिस्पॉन्स में आ जाता है जो ट्रायल एंड एरर, कि आप जब कोई चीज़ सीखते हैं ना तो उसमें आप गलती भी करते हैं, गलतियां कर कर के ही आप सीखते हैं। तो वो जो गलतियां कर कर के सीखना होता है वो आपका गाइडेड रिस्पॉन्स होता है, कि आप चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं, परफॉर्म करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर आपने कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया, यहाँ पर ऑब्जर्व किया, यहाँ पर विलिंगनेस दी, अब यहाँ पर आपने कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया, आप गलतियाँ भी करेंगे, आप कभी उसको ऑफ सही तरीके से नहीं करेंगे, कभी उसके अंदर कोई एरर आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो आप जो गलतियाँ कर करके सीखेंगे वो आपका गाइडेड रिस्पॉन्स होगा। नेक्स्ट जो लेवल है वो है जी मैकानिज़म। मैकेनिज्म में क्या होता है कि अब आप यहाँ पर हैबिचुअल होना शुरू हो जाते हैं, आपके अंदर चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना आ जाता है कि अब आपने किस तरह से इसके साथ डील करना है, किस तरह से इसको चलाना है, क्या काम करेंगे आप कंप्यूटर पर तो ये एरर आ जाएगा, इस एरर को किस तरह से ख़त्म करना है। तो वो आपका मैकेनिज्म लेवल होगा कि आपको अपने वर्क के बारे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने इसको इस काम को इस तरीके से करना है। नेक्स्ट लेवल है कॉम्प्लेक्स ओवरट रिस्पॉन्स। कॉम्प्लेक्स ओवरट रिस्पॉन्स में आप स्किलफुल होना शुरू हो जाते हैं, स्किल्स आनी आपके अंदर स्टार्ट हो जाती हैं उस चीज़ के बारे में। अब आपको जो कंप्यूटर आपने चलाना सीखा था, जो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया था आपको, यहाँ पर आके बिल्कुल आप इतने कुछ स्किलफुल हो जाते हैं कि अगर कुछ लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है अपने कंप्यूटर यूज़ करने में तो आप कहते हैं साइड पर हो जाओ, मैं इसको ठीक करता हूँ। तो वो जो आप उस टाइम ठीक कर रहे होते हैं, मतलब कि आपके अंदर उस कंप्यूटर को ठीक करने की इतनी स्किल्स आ जाती हैं कि लोग आपके साथ डील करना शुरू कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई है, इसको आप इस तरह से कर दें। जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग वायरस तक बना के तो कंप्यूटर में भेज देते हैं कि और आपका डाटा उसको हैक कर लेते हैं। तो मतलब वो कॉम्प्लेक्स ओवरहेड रिस्पॉन्स स्टेज पर होते हैं कि उनके अंदर इतनी कुछ स्किल्स आ गई होती हैं उस कंप्यूटर को यूज़ करने की कि वो नेक्स्ट पर्सन का कंप्यूटर पूरे का पूरा हैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अडेप्टेशन लेवल। अडेप्टेशन लेवल में आप इतने कुछ स्किल्सफुल हो जाते हैं कि नेक्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं।
फॉर एग्जांपल टेनिस का हम गेम ले लेते हैं, टेनिस की, और टेनिस में क्या होता है जी कि आप जब टेनिस खेल रहे हैं तो जो आपका ओपोनेंट है, दूसरा जो पर्सन है, वो उसको उसके मुताबिक आप खुद को खेलना शुरू कर देते हैं। मतलब वो जिस तरीके से बॉल फेंकता है आप उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि अगले की चाल को देखते हुए अपनी चाल चलना शुरू कर देते हैं। ये अडेप्टेशन लेवल है। नेक्स्ट आ जाता है जी ओरिजिनेशन लेवल। ओरिजिनेशन लेवल ये आपकी क्रिएशन के साथ इसका ताल्लुक है, क्रिएट करता है जी ये चीज़ों को, न्यू चीज़ को क्रिएट करना। जैसे कि हमारे सिंगर्स हैं, सिंगर्स क्या करते हैं, न्यू म्यूजिक को कंपोज करते हैं। जो हमारे डिजाइनर्स हैं वो न्यू ड्रेस को बनाते हैं। तो जो एक न्यू चीज़ खुद से क्रिएट की जाती है और जो अपने माइंड के मुताबिक देखते हुए आप न्यू चीज़ों को क्रिएट करते हैं, वो आपका ओरिजिनेशन लेवल होता है। तो जी ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेप्शन में जस्ट ऑब्जर्व किया जाता है, सेट में हम अपनी विलिंगनेस देते हैं उस काम को सीखने के लिए, गाइडेड रिस्पॉन्स में हम गलतियाँ करके उस चीज़ को सीखते हैं, मैकेनिज्म में हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज़ को यूज़ करने का, कॉम्प्लेक्स ओवरऑल रिस्पॉन्स में हमारे अंदर स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और हम हाईली स्किलफुल हो जाते हैं, अडेप्टेशन लेवल में हम अगले के मुताबिक खेल रहे होते हैं, ठीक है, अगले के मुताबिक अपनी चाल चल रहे होते हैं, और ओरिजिनेशन में हम न्यू चीज़ों को क्रिएट करते हैं, जैसे हमारे सिंगर्स वो न्यू म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, डिजाइनर्स वो न्यू ड्रेस क्रिएट करते हैं, तो और कोई भी ऐसा डिजाइन जो अपने माइंड को देखते हुए आप क्रिएट करते हैं तो वो आपका ओरिजिनेशन लेवल होगा। तो जी ये साइकोमोटर डोमेन्स थी। अब आप देखेंगे इन सब में आपके एक्शंस यूज हो रहे हैं, ठीक है, कॉग्निटिव में हमारा दिमाग यूज हो रहा था, अफेक्टिव में हमारे जो बिहेवियर्स थे, एटीट्यूड्स थे, वो यूज हो रहे थे, और साइकोमोटर्स में हमारे जो एक्शंस हैं वो यूज हो रहे होते हैं। तो ये डोमेन्स आज हमारी कंप्लीट हो गई हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर की, साइकोमोटर सिम्पसन ने दी। ऑल्सो कि आपको अब ये क्लियर समझ आ गई होगी इसके बारे में, साइकोमोटर डोमेन के बारे में। तो इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।